डिप्रेशन इतनी छोटी चीज़ नहीं है बड़ी मुश्किल से होता है मेरे पास ना कोई हंसता हुआ नहीं आता साइकोलॉजिस्ट के पास कोई आएगा अपना प्रॉब्लम लेके दुख लेके इमोशनल पेन लेके मेंटल पेन लेके थेरेपी इजी नहीं है तो मगर तो जो लोग हमारे पास थेरेपी पे आते हैं ना देर ब्रेव पीपल जो काम हम बातचीत से कर सकते हैं उसको हमें टेबलेट्स और पिल्स की तरफ नहीं ले जाना चाहिए दवाइयाँ इज नॉट द हल जस्ट फिक्स सोसाइटी जा रही नीचे जा रही आपकी वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं रिस्पेक्ट खत्म हो रही है टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं है नॉर्म्स कहाँ गई वैल्यूज़ कहाँ गई वो कहते हैं तमीज वो सब कुछ कहतेम गया अगर हर एक बाप एक माँ अपने अपने फ़ोन पे है अपनी सोशल लाइफ में बिजी हैं रातों तक तो बच्चों को आप कैसे बिजी करेंगे और अक्सर अक्सर लोग क्या है गाड़ी ड्राइवर मेड एंड बच्चा इंडिपेंडेंस खुला पैसा हाथ में बच्चे जो मर्जी कर रहे हैं दिस रूल चेक वो एक ज़माने में फैमिली टाइम होता था ना वो अब नहीं है वो फैमिली टाइम ही आपका तारसद हो जाता था

Uh, इस कॉम को इस माशरे को ये बताने की बहुत सी ऐसी चीज़ स्टिग्मा है उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे अवेयरनेस क्रिएट करें ये बताइएगा आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ आप इस तरफ कैसे आई मुझे लगता है मेरा जैसे मैं बड़ी ओर थी तो मेरा सफ़र था ही इस तरफ आई वॉज आई थिंक मे बी वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज मैं जब कॉलेज में थी आई वॉज एटीन सो मुझे उसी टाइम से था कि साइकोलॉजी में कुछ करना है पेरेंट्स का कभी कोई कहें डायरेक्शन नहीं थी या कोई प्रेशर नहीं था सर फ्री टू चूज़ माई फील्ड उस वक्त किसी ने बताया था आपको कैसा करना है ये, ये, ये अंदर से एक आवाज़ आ रही थी अंदर से ही आ रही थी सुनते थे पढ़ते थे अच्छा लगता था चलते गए करते गए बैचलर्स किया मास्टर्स किया पोस्ट मास्टर्स किया फिर करते गए तो बाहर चले गए फिर जब काम स्टार्ट किया तो लगा कि शुरू से डेवन से ही लग रहा था अपने काम यही करना है अच्छा ये बड़ा बड़ा ज़रूरी होता है कि अंदर से जो आवाज़ आती है ना आपके लिए और अगर आप वही कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाता है

तो उनपे बहुत प्रेशर है ये नहीं करना ये करना फैमिली में डॉक्टर तो सबने डॉक्टर बनना है अच्छा बचपन से डॉक्टर इंजीनियर और पायलट ये कब निकलेगा हमारे दिमागों से ये कम तो हो रहा है लेकिन निकला नहीं है निकला नहीं है ना इंजीनियर मतलब वो बिना पायलट बनता है ना इंजीनियर बनता है डॉक्टर कुछ और ही बन जाता है तो उसके बाद कैसे आपका

इनटेक देखो अगर इनटेक लेना तो मैं आज बहुत डिप्रेस लग रही हूँ वेन वी वर स्टिंग इन यूनिवर्सिटी मेरा जो पोस्ट मास्टर है ना उसमें हमारा मेन काम ही इंटरेक्शन था हॉस्पिटल्स में डिप्रेशन साइकोटिक्स सकोटिक्सोफ्रेनियाँ बच्चों में बीस रहे तो लगता था कि हर दिन जाके खुद ही डिप्रेशन हो जाएगा बट देन इट बिकम पार्ट ऑफ आर लाइफ कि हमें ब्रैकेट ऑफ करना सिखाया एंड आई टुक दैट वेरी सीरियसली बिकॉज मुझे आई एम अ वेरी लाइवली पर्सन फ्राम इन साइड So, मुझे तक साइकोलॉजी तो पसंद है लेकिन साइकोलॉजी का जो बर्नआउट है मुझे लेना बैठे एक्सरसाइज वॉक सोशलाइजेशन डू वट यू वॉन्ट टू डू अगेन फ्रॉम इन साइड इफ यू एन आर्टिस्ट डू योर आर्ट्स। इफ़ यू आर गार्डनर डू गार्डनिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट इज़ समि कीप य लाइफ चाहे आपको कोई रुके भी अच्छा कितना सुनना चाहिए बड़ों का चले, बड़े इज ऑलवेज नॉट राइट राइट बट टू उनका एक्सपीरियंस है अब कैसे उस थिन लाइन को हम लोग देखें कि ये बड़ा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है मैं ये कहूँगी बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए व्हाट यू वॉन्ट टू डू योर डिजायर योर वॉन्ट योर यू नो योर एम्बिशन योर पैशन टू डू समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स नॉट डिसट यू वॉन्ट टू डू और हु यू आर योर ह्यूमन बींग सो यूनिट टू एक नॉलेज हुआ यू वॉन्ट टू डू बड़ों से सुने सुने सबसे एडवाइस लो मैं मैं दिस इज़ वॉट आई डू मुझे जब कोई बड़ा डिसीजन करना होता है दो से तीन अच्छे लोगों से एडवाइस लेती हूँ लाइक like, मैं अपने फादर से बहुत बात करती थी इज़ नॉट लाइव नाओ अपने एक दो हैं मेरे लोग मैंटॉर्स पर डिसीजन अपना करना है मैंने क्योंकि वो मेरे रेजोनेट करेगा फ्राम तो आपने डिसीजन लिया कि आपको अब जो आपने काम स्टार्ट किया उसके बारे में बताया वो डिसीजन कैसे लिया और क्या कर रही हैं आप मैंने डिसीजन लिया आई थिंक मैं तो चल ही रही थी इस लाइन पर चल रही थी डिसीजन ये लिया कि आई आई स्टार्टड माई वर्क आफ्टर माई पोस्ट मास्टर्स ठीक है काफ़ी काम कर लिया था प्रैक्टिस हो गई थी ग्रिप आ गई थी सो अपने काम किया का एक प्रोजेक्ट था उस पर काम कर रहे थे और यूनाइट नेशंस के प्रोजेक्ट के ड्रग फ्री हैब का था फिर वो कंप्लीट हुआ उसके बाद स्पेशल नीड्स में गई और मुझे बड़ा क्लिक किया कि बच्चों के साथ आए आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना दो एक साल काम किया मुझे लगा कि मैं वो नहीं कर पा रही जो मैं करना चाहती हूँ काम वही है फील वही है बट आई वॉन्टेड टू डू इट यू नो इन माई ओन वे मुझे मुझे डायरेक्शन ले के इंस्ट्रक्शन ले कर काम नहीं किया जाता सो so फिर फिर मैंने तब से ऑनवर्ड्स अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया नाइनटीन नाइन्टी नाइन से थ्री फोर ईयर्स मैंने काम किया नाइन्टीन नाइन्टी नाइन से ये इम्पैक्ट चल रहा है और आज कितने साल हो गए आपको मुझे काम करते हुए तो ट्वेंटी नाइन ईयर्स हो गए हैं

तंग तो नहीं करते बच्चे ज़्यादा बच्चे बहुत तंग करते हैं बच्चे तंग करते और बच्चे।, बच्चे देखें बच्चों की कैटेगरीज हैं मैं आई एम वर्किंग विद जो बच्चे जिनको ए है या कुछ ऑटिज्म का भी है वो आपसे उस तरह से एसोसिएट नहीं कर सकते बट इट्स आई थिंक इट्स यू यू हैव टू बिल्ड एन इनर कनेक्शन विद बच्चे वो बनता है और आप करते हो और कुछ बच्चे हैं जो जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उसमें तो फिर आपकी बातचीत भी होती है ना जोक्स भी होते हैं मज़ा भी आता है सो आई थिंक बच्चों से तो आप एक यूथ का कनेक्शन भी है और जिन बच्चों से आप डील कर रही हैं वहाँ तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता होगा ना फिर जब आप उन, उनकी केयर करती होंगी उनको सुनती होंगी क्योंकि यूजली हमारे माशरे में फिर ऐसे बच्चों को जरा हमारे माशरे में बहुत निगलेक्ट किया जाता है अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स तक भी निगलेक्ट करते हैं तो ये फिर जब आपकी तरफ आते हैं इवेंचुअली वो बच्चे तो जहाँ माशरे से इग्नोर कहीं ना कहीं पेरेंट्स से अपने सिबलिंग्स से इग्नोर होकर तो क्या आपको क्या फील होता है उनके अंदर से क्या आवाज़ आ रही होती है एक रिजेक्शन रिजेक्ट एक रिजेक्शन की फीलिंग होती है बच्चों के अंदर बट कुछ बच्चे वो हैं जिनको ये भी नहीं पता कि वो रिजेक्ट हो रहे हैं वो बहुत ही इंटरनल आई थिंक उनके सोल लेवल पे कोई कनेक्शन उन्हें हो पता होता होगा कि रिजेक्शन है दिखता है व्हेन अ सोल और अ चाइल्ड इज़ लव्ड आपको उसका बिहेवियर एटीट्यूड चेंज होता नज़र आता है मुझे बच्चों से तो मिलता है पेरेंट्स से बड़ी सैटिस्फेक्शन होती है जब पेरेंट को समझ आ जाता है कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है सो so, एक, एक और एक वो कैटेगरी जहाँ सिबलिंग राइवलरी चल रही है जो आजकल के बच्चों के कॉम्पिटिशन चल रहे हैं मटीरियल वर्ल्ड है, है उसके अंदर उन बच्चों को भी समझाना देखना लाइफ के ट्रैक पर चढ़ाना बड़ा मज़ा आता है होता है इसमें एक पीस ऑफ माइंड आपका है इसके बहुत, साथ बहुत, बहुत, अच्छा है। कहते हैं कि अगर आप कोई काम करें और उसमें आपको पीस ऑफ माइंड मिले तो वो आप अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स ही होती हैं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स ही हैं मैं तो ये कहूँगी पीस ऑफ माइंड बिकॉज Uh, मेरे पास ना कोई हंसता हुआ नहीं आता मेरी फील्ड ही ऐसी है साइकोलॉजिस्ट के पास कोई आएगा अपना प्रॉब्लम लेके दुख लेके इमोशनल पेन लेके मेंटल पेन लेके अच्छा मुझे बताएं ये मेंटल पेन को या इमोशनल पेन को जब हम माशरे में कहते हैं कि जी हमारा अब आपसे रापता होने वाला है तो कहते हैं ये पागल हो गया है ये ऐसा क्यों स्टिग्मा है अब भी हालांकि अब किसी हद तक हमने बेहतर कर लिया है लेकिन वो किसी हद अभी भी ट्वेंटी परसेंट एटी परसेंट अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें यस यस तो वहाँ तो बोलेंगे पागल हो गया और वो रिश्ते बंद लड़की के लड़के का तो बेचारे का तो काम हाँ बताना नहीं किसी को छुप के आना छुपके के। के आना है। मतलब आपके पास तो लोग खुफिया तरीके से आते हैं ट्वेंटी नाइन ईयर्स में मैं कह सकती हूँ कि पंद्रह बीस साल पहले छुप के आते थे हस्बैंड को नहीं पता इंडोस को नहीं पता मेरे अपने पेरेंट्स को नहीं पता मैं आई हूँ छुप के आई हूँ बट अब इतनी अवेयरनेस के मैं बता के आई हूँ या फैमिली मदर हस्बैंड कोई साथ आता है सो अब इतना फ़र्क है बट ये भी बड़ा लिमिटेड सा नंबर है या एक सर्टेन क्लास है जिसमें ये अवेयरनेस है बाकी जनरली नहीं, नहीं है अच्छा लोगों में अवेयरनेस नहीं अब भी वो कहते हैं कि अगर मुझे डिप्रेशन है एनजाइटी है तो कहते हैं आराम से बैठ जाओ क्या हो गया तो भाई ठीक है पता है मैं आपको बताऊँगी कि चीज़ें मिक्स हो गई हैं कुछ एक जो आपकी टीन एज पॉपुलेशन है ना वो ये आपके यूट्यूब इंस्टा सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर इन्होंने ना ये जो वेन कटिंग और इस तरह की चीज़ें कॉपी करने में भी सीख ली हैं अब और अक्सर जगह पे इशू जेनविन भी हैं अगर वेन कटिंग उसमें भी जा रहे हैं ना तो इतना मीडिया बच्चा क्यों देख रहा है वे आर पेरेंट्स और अगर सिबलिंग्स हैं तो सब इकट्ठे कहाँ हैं वो एक जमाने में फैमिली टाइम होता था ना वो अब नहीं है वो फैमिली टाइम ही आपका तारसद हो जाता था अब वो ख़त्म है फैमिली टाइम्स नहीं है अच्छा वो फैमिली टाइम ले जाने की जो 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 बड़ी वजूहत बनी है वो ये बॉम्ब बना है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम टिकट फेसबुक हाँ ये ले गया लोगों को और जो वो देख रहा है वो सारा दिन इंजेक्ट हो रहा है और वही फिर अगेन रिजल्ट भी वही निकलेंगे ना आउटपुट भी वही बिल्कुल बिल्कुल वही निकलेगा वो लैंग्वेज निकले वही बन जाती है आप तो एक आम बंदी की बात करें जो छोटे छुट छोटे बच्चे और जो अच्छी स्पीच लैंग्वेज डिलेज भी है, वो भी हैं वो वही वाले बोल रहे होते हैं घर फिर कहते हैं हम तो उर्दू पंजाबी बोलते हैं बच्चा जो फुल इंग्लिश एक्सेंट में बात करता है तो कहती है उससे फोन से जान चीज़ें आपकी दुनिया में तो आए आपने बच्चों को बस ये खिलौने पकड़ा दिए कि बिजी अपना अपने अपने काम में लगे रहे और क्या है ना मेरी तो बहुत जंग माओ से होती है बहुत सी माएँ हैं जो कि मुझे बहुत शायद भेंट करती होंगी बट मेरी जंग ही उनसे होती है कि खाना है जी मील टाइम पर तो बच्चे के आगे फ़ोन रखना जरूरी है अब भाई क्यों जरूरी हम हमने मील टाइम किए हुए है हैं हमसे पहले किए हुए है हैं हमें तो जरूरत नहीं थी हमें तो कभी तो भी जरूरत नहीं थी खाना खाते थे और तो ईजी वे आउट है सिंपल ईजी वे आउट है पेरेंट्स इस पर बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों को देने को रेडी नहीं है अपनी मसरूफियत हो गई अच्छा माओ के अंदर भी तो कल्चर आ गया ना बच्चे ने तो इंस्टा और कार्टून और टिकटॉक लिया ना बट माओ भी तो किटी पार्टी और एक वो कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया ना आप ये जो काम कर रही हैं इसमें आपको फंड्स आप कैसे जनरेट करती हैं कैसे आपको लगता है कि क्योंकि इस पर आपको फंड्स तो काफ़ी चाहिए होते होंगे जब लोगों से फ़ंड्स चाहिए और इंटरेस्टिंगली आई थिंक वन बिग अचीवमेंट है इसके मैंने आज तक कभी फ़ंड नहीं लिया सो वी आर नॉट एन एन जी ओ वी आर नॉट अ ट्रस्ट जो आ रहे हैं काम कर रहे हैं जो चार्ज कर रहे हैं फीस वगैरह उसी से कर रहे हैं सारा अपना सेटअप चला रहे हैं कभी ऐसा सोचा कि कोई ऐसी एन जी ओ पर इन सब को मैं इनकी कफालत कर सकूँ जो ऐसे लोग जो आपको अफोर्ड शायद थोड़ा बहुत नहीं कर पाते होंगे तो उनके लिए सोचा तो नहीं है मैंने सोचा इस तरह से कि लोगों ने बहुत कहा कि एनजीओ बना लो काम कर लो बट एनजीओ के नाम से थोड़ा सा ना एक अजीब सा खौफ आता है बिकॉज मैं चाहती हूँ जितना काम करें ऑनेस्टी से करो एन के अंदर ना पैसा आने को आ भी सकता है वो अलग ही काम है उन्हीं में लगे रहो पैसा जनरेट करना है ट्रस्ट से पैसे लेने हैं करना है, वो करना अगर हेल्प करना है उसमें ये कर सकते हैं कि जहाँ पॉसिबल होता है मैं अपने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ एक सर्टन पॉपुलेशन है जिनको कर लेते हैं ये बहुत वेव ऑफ कर दिया बट मेजॉरिटी में तो येस वी एक्सपेंसिव इतना वो उसमें प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और इसी के ऊपर हमने सारा सेटअप अपना रन करना है आई वे थिंग अफ फोर्टी पीपल जो कि काम कर रहे हैं उनकी सैलरी सनरेट करना सो यस सो नाइनटीन नाइनटी नाइन में जब इम्पैक्ट बना तो एवज अ लोन ग्रेजुअली बिल्डअप हुआ आई थिंक एक इस तरह से सोच कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट ही हुई कि वो होते 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 आज इन टू अच्छा नाम बहुत अच्छा है इम्पैक्ट ये कैसे आपका आइडिया है कि इम्पैक्ट नाम होना चाहिए मतलब इम्पैक्ट ही इम्पैक्ट है नाम का हाँ इम्पैक्ट का नाम इम्पैक्ट है इम्पैक्ट बेसिकली इट्स एन एवरीशन वो बाई चांस वो फिर होते होते हैं इम्पैक्ट भी इम्पैक्ट का बड़ा उसके साथ भी मिल गया सो इम्पैक्ट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ मेन स्ट्रीम साइकोलॉजिकल असमेंट एंड काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सो वो इम्पैक्ट तो so, बैठे मैं और मेरे दो तीन स्टाफ के लोग बैठे होते हैं कि ऐसा कोई नाम अच्छा सा होना चाहिए जो तो लोगों में एक वो भी हो वो भी हो एक इम्पैक्ट भी हो, भी हो। और भी हो, वो चीज़ भी हो।, हो कि हम जो कर भी रहे हैं सो so, इम्पैक्ट इम्पैक्ट हो गया कैसे आप एड्रेस करती हैं के जी इस सिचुएशन में बंदा डिप्रेशन में एंगजाइटी में है नहीं है या वो ये थिन लाइन है कि ये समझ रहा है कि ऐसे डिप्रेशन एंगजाइटी है कुछ भी नहीं है आजकल तो लोग बुखार पर जो सर में दर्द होता है तो वो भी कुछ ऐसी भी कॉम है ना जो कहते हैं मुझे तो डिप्रेशन है मुझे एंगजाइटी है मतलब मैं बारिश हो रही है मैं घर से निकल नहीं पाई तो डिप्रेशन एंगजाइटी हो गई तो ये इसकी क्या थिन लाइन है कैसा बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा है ऐसा ही है लोग हल्की सी सैडनेस भी होगी ना मुझे भी बन गया है डिप्रेशन है मुझे एंगजाइटी है डिप्रेशन है लाइट्स uh, ऑफ कर दो लाइट्स भी ऑफ कर दो खाना छोड़ दो या एक्सेसिव खाना शुरू कर दो जो सिम्टम्स टिपिकल होते हैं वो तो अपने बस तारी और सवार करने वाली बात है और अगर आपकी फैमिली से सर्कल से रेजुलेट आपको वो इन्फोर्स होएगा ना कि हाँ इसको जो डिप्रेशन है इसको डिप्रेशन है वो तो मज़ा आना शुरू हो गया और डिप्रेशन में जाओ वो डिप्रेशन में चले ही जाते डॉक्टर साहब डिप्रेशन इतनी छोटी चीज़ नहीं है बड़ी मुश्किल से होता है डिप्रेशन के लेवल पर पहुँचना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीट करना

कि मेडिसिन लो ताकि थेरेपी को आप रिस्पॉन्ड कर सको अच्छा आप यूजुअली आप तक में ही काम हो जाता होगा अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बंदा ना हो अब तो एटी नाइन्टी परसेंट हो जाता है और अगर रेफ़र करना पड़ता है तो फिर मैं रेफ़र कर देती हूँ आई हैव टू थ्री पीपल इन माइंड जो साइकाइट्रिस्ट ओवर नहीं करते थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है चीज़ के हमारे यहाँ मेडिकेशन को बहुत ज़्यादा मतलब जो ओवर डोज हो जाए हम बात जीत से कर सकते हैं इनकोडिंग डिकोडिंग कैसे कर सकते हैं उसको हमें टेबलेट्स और पिल्स की तरफ नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि नहीं लेके जाना चाहिए और ये पेरेंट्स के लिए ये पेशेंट्स के लिए बड़ी बात है पब्लिक के लिए मैं कहूँगी कि वो एक क्विक फिक्स चाहते हैं हम आए हैं एक सेशन में आपको डिप्रेशन हो रहा है तो डीप डाउन के रीजनस हैं कोई रूट कॉज है उसको ढूंढो इमोशन अपनी इमोशन रेगुलेशन पर वर्क करो

कैफियत तारी हो गई जब मेरी वजह से फैमिली किसी प्रॉब्लम में है तो उसको एक्सेप्टेंस तो दें अवेयरनेस में लाओ एक्सेप्टेंस लें एंड देन मैनेज इट डील विद इट दवाइयाँ इज़ नॉट द हल दैट्स जस्ट अ क्विक फिक्स ना दवाई मैं तो फक्के खा के सोता हूँ फक्के खा के सोती हूँ अक्सर लोग आके कहते हैं तो ये क्यों खा रहे हैं डील विद सो ईजी नहीं है अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना ईजी नहीं है थेरेपी ईजी नहीं है तो मैं कहती तो हूँ जो लोग हमारे पास थेरेपी भी आते हैं ना देर ब्रेव पीपल

आपको रिक्वायर हैं टू एक्स्टेबिलिटी like आते आते और इसमें डिफ़िकल्ट पार्ट बताना नहीं है डिफ़िकल्ट पार्ट है टू चेंज योर सेल्फ हम पता है प्रॉब्लम क्या है हम दुनिया को चेंज करें वो चेंज हो जाए मेरे लिए वो बदल जाए उसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया ना करो ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ अपने पे वर्क करो हम नहीं करते हम दुनिया अच्छा डॉक्टर साहब ब्लेम भी दुनिया में क्यों डाल दिया जाता है कुछ अगर मसला मेरे साथ आया तो पता है मैंने क्या कहा ये मेरे इसकी वजह से हुआ है इजी है ना इजी वे आउट है ये मेरे पेरेंट्स ने कर दिया है ये मेरे बच्चों ने कर दिया इजी वे आउट है ना अपना अब अगेन ओनरशिप नहीं करनी ओनरशिप लेंगे तो काम करना पड़ेगा कि अगर मैंने ओनरशिप ली इस चीज की फ्रेंड्स एज अ पेरेंट बच्चे आप पेरेंट्स की ओनरशिप है बच्चों को रेस करना सही ट्रैक पर डालना पेरेंट्स का काम है अगर कहते हैं दादा ने ये कर दिए फूफी ख़राब है मामी चाची ये कर देती है नज़र लग गई टाइप की चीज़ें बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में तो फिर आपकी ओनरशिप कहाँ आप कहाँ आप कौन हो एफर्ट से भागते हैं लोग हमने हर चीज़ पर ना मतलब कोई नई गाड़ी लेनी तो पीछे चप्पल लटकाती नहीं छोटी क्या ये दुनिया में आखिरी गाड़ी इसी के पास है तो ये अंबानी को नज़र नहीं लगती अंबानी को नजर लगती वो पूरे दुनिया के वेस्ट को नजर नहीं लगती हमें भी लगती है हाँ, हमें क्यों हम हमारे पास इतनी सी कोई चीज होती है तो हम देखते हैं बस नहीं बताना नहीं सपोज चल जाएगा नजर लग जाएगी ऐसा नहीं। है नहीं इतने नहीं नहीं ऐसा मिथ बनी भी है मिथ बना हुआ है इजी है अगेन आपको बहुत मॉडर्न फैमिलीज के बड़े वेल टू डू नॉन फैमिली के बच्चे आते हैं बट अंदर तवीस पहने होते हैं चीज़ें पहनी होती हैं भी भी बांधे हुए होते हैं या, या भी भी होते हैं हो ते 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 तो गंदे हो, है। हो जाते हैं कि उनको मतलब झुलवा भी सकते हैं लोग बांध बांध के करते हैं। क्या उनको हालांकि इस्लाम में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बट एक बिलीफ सिस्टम है कि किसी ने कुछ कर दिया होगा तो बहुत लोग आके कहते हैं जी पहले डिले हो गया फिर स्पीच पर पहले वर्क क्यों नहीं किया जी पहले तो हम स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट कर रहे थे लिटरली स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट बच्चे की एक एज ही गुजर जाती है नहीं, करो स्पिरचुअल ठीक है अपना एक सुकून मिलता है आप करो रखो बट देन साइंटिफिक तरीका हाँ, भी देखा भी है भी है तो तो होगी बात exactly. करनी होगी वो अगर आप नहीं करेंगे अच्छा अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आप आप, आप इन चीज़ों को बुखार हम हमें बुखार होता है तो हम क्या करते हैं हमें थोड़ी करेंगे कि हम मतलब बैठ के सुरते पड़ने लग जाएंगे हम अल्लाह के साथ साथ जाएंगे टैबलेट भी तो लेंगे पहले दवा फिर दवा एक्सिल्म जरूरी है

ये क्या चीज़ है तो सब कुछ ही आ गया ऑटिज़म तो कहीं नहीं थे एग्जिस्ट करता था पढ़ के समझना मुश्किल हुआ पढ़ते पढ़ते जब आगे गए देखा तो बहुत नीट थी बढ़ गई इट्स इट्स एट अ राइज पाकिस्तान में वन इन फिफ्टी फाइव की रेशो है इस टाइम ऑटिज़म की बहुत ज़्यादा है सो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए ऑटिज़म केयर सेंटर पेरेंट्स की डिमांड आई कि कुछ हमें खोलना है हमारे बच्चों के लिए फुल डे का कोई प्रोग्राम करें कुछ ना कुछ चीज़ करें सो so, वो फिर वहाँ से ऑटिज्म केयर सेंटर बन गया जो कि प्योरली ऑटिस्टिक बच्चों का एक सेंटर है एक्सिलेंट और वो भी आप खुद फीड करती है उसे मतलब जो भी जो फीस ले रही हैं जिस तरीके से हो रहा है कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं कोई फंड्स नहीं लिए कुछ करके के कि यार इसको कहीं गवर्नमेंट तो कहीं किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं है गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे कुछ कर देना तो ऑनिस्टली मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स वर्कशॉप वगैरह कराती हैं आप वर्कशॉप्स हैं ट्रेनिंग्स करवाते हैं पेरेंट्स के लिए सेपरेट ट्रेनिंग्स होती हैं सपोर्ट ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरेंट ऑटिस्टिक बच्चे का पेरेंट बड़ा डिप्रेसड होता है या कोई भी स्पेशल नीड्स के साथ तो उनको इमोशनल रेगुलेशन में लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक तो सपोर्ट ग्रुप जरूर करवाते हैं और अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप स्कूल्स में भी करवा रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म कोई मिलता है वहाँ पर भी, भी करवा रही हूँ और अपने पास भी करवा रहे हैं फिर कोई अगर पेरेंट की या कोई कहीं से किसी को नीड फील होती है तो वर्कशॉप प्लानिंग बिहेवियर मैनेजमेंट ये क्या चीज़ होती है बिहेवियर मैनेजमेंट इज बेसिकली बिहेवियर रेगुलेशन ठीक है आपने एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग सुना होगा बिल्कुल उसमें बिहेवियर इमोशन और मेंटल रेगुलेशन इनकॉर्पोरेट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है हाउ यू बिहेव आपकी सेल्फ इस्टीम कैसी है कॉन्फिडेंस कैसा है बच्चा है तो उसका बिहेवियर कैसा है हाइपर एक्टिविटी कैसी है फोकस कॉन्सेंट्रेशन कैसा है लाइफ में आप कितने कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को लेके चल रहे हो सोशलाइजेशन मेकिंग फ्रेंड्स डीलिंग कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन ये सारा कुछ फिर एक तरह से बिहेवियर के जमरे में आ जाता है और मॉडिफिकेशन में ये है प्रॉब्लम जो अगेन बच्चों के रेफरेंस से बात करूँगी स्कूल्स के अंदर आ, बच्चों को कॉर्नर कर दिया जाता है ये बच्चा तो बहुत हाइपर है ये तो क्लाउन ऑफ द क्लास है या कोई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड डिस्लेक्सिया डिस्क्राफिया के साथ कोई एसोसिएटेड हाइपर एक्टिविटी है तो वहाँ इससे तो फिर प्रॉब्लम आते तो उधर फिर देन वी हैव टू मॉडिफाइड बाई री इनफोर्सिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर एंड एलिमिनेटिंग द नेगेटिव वंस नेगेटिवेंट देखिए मुझे तो ये लगता है आप रुकने वाली तो है नहीं यहाँ पे अब आपको क्या लगता है कि इससे आगे आप किस तरफ जाना चाहती हैं मतलब किस तरफ आपका फ्यूचर प्लान आपको ले जा रहा है मुझे लगता है अब इस स्टेज पे आई वांट टू हेल्प पीपल जो आए हैं नए लोग आ रहे हैं नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं अगर उन्हें कुछ सेटअप करना है वो मुश्किलें जो हमने फेस की थी आई डोंट वॉन्ट दम टू फेस हर्डल्स और ट्रेनिंग्स करें फैलाएँ जो सीखा है पास ऑन करें लोगों को दें और अगर कोई और जैसे इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट्स हैं वो हेल्प मांग रहे होते हैं असेसमेंट्स के लिए स्कूल्स वगैरह में बहुत अवेयरनेस की बात हो रही होती है सो तो उससे जो अब तक कर रही हैं काफ़ी है काफ़ी कुछ कर लिया है कर रहे हैं वो लाइन पर बट देन अब इट्स टाइम कि उसको स्प्रेड किया जाए कि अवेयरनेस बिल्डिंग पर बहुत चीज़ें हो रही हूँ लोग इस चीज़ के अंदर आएँ और हेल्प अच्छा अगर अवेयरनेस होती तो हम इतने लेट ना होते अवेयरनेस होती तो हम स्टमा ना होता डिप्रेशन और एन्जाइटी को लोग स्टिग्मा ने एक नॉर्मल बहार टाइप की चीज़ लेते इसको इसको ठीक करना करें हाँ बिल्कुल बहुत बहुत बेहतर होता awareness, तो of awareness है अवेयरनेस लैक ऑफ़ अवेयरनेस है हमारे पास बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है hmm. बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है ओवरऑल कंट्री में अब आप आप देख लें आपका रूरल एरिया कितना बड़ा है अच्छा जब जब बच्चे इग्नोर हुए हैं वो बड़े हो के मामला फिर खराब ही हुए हैं अगर कहते हैं ना रेज योर सन वेल अगर माएँ अपने बच्चों को मतलब थोड़ा सा टाइम दे देती तो आज ये बड़े हो के फिर ये जो आतंकवादी बन जाते हैं औरतों को टॉर्चर कर रहे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे होते हैं तो ये ना होता कहीं ना कहीं वो भी जाता है पेरेंट्स को भी कि यार ये जाते ही पेरेंट्स को है अब ब्रिंगिंग है ना और कहीं अगर आप मोस्टली मोस्टली पेरेंट्स को जाता है अगर मैं देखती हूँ केसेस जब आप डीप डाउन जाते हो तो कहीं अपने ही बचपन के कोई डाल या अपनी ही चीज़ें हैं जहाँ आप स्टकअप हुए होते हो और उसको डील करना होता है रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं बनते रिलेशनशिप में आपको इन्वेस्ट करना है और एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी परस्पेक्टिव ही रिलेशनशिप में कोई अच्छी चीज़ डाल सकता है

सोसाइटी बर्बाद नहीं हो रही इस तरह सोसाइटी जा रही नीचे जा रही है आपकी वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं है मैं देखती हूँ बच्चे जिस तरह से बात कर रहे हैं पेरेंट्स को और अपनी चॉइसेस पे बात करते हैं वहाँ एल्डरली जनरली पॉपुलेशन की रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए कोई रिगार्ड नहीं है एक दूसरे के लिए कोई स्पेस नहीं है वो नॉर्म्स कहाँ गई वैल्यूज़ कहाँ गई वो कहते हैं तमीज़ तमदम वो सब कुछ किधर गया वो जिन्होंने देना था वो वो अच्छा जी घर में जब बच्चा देख रहा होगा कि माँ और बाप दोनों, कभी लड़ रहे हैं या कभी दोनों के फोन में दोनों ने फोन पकड़े हुए दोनों दूसरी तरफ हाँ, लगे हैं फोन पे। mostly. एक, एक कमरे में दूसरे पे आएगा बच्चों की गलती तो नहीं हुई ना उन्होंने बच्चों की गलती नहीं है बच्चों की गलती कभी भी नहीं होती है बच्चों की गलती नहीं होती पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि एटलीस्ट देखें अगर कोई ट्रामा है किसी पेरेंट की लाइफ में कोई ट्रामा हो गया कोई सेपरेशन हो गई या पेरेंट्स से कोई ट्रामा लेके आ रहे हैं तो इतना तो रिस्पॉन्सिबल बन जाओ कि अपने आप को ठीक करना है देन अपना पेन अपने बच्चे को नहीं पास ऑन करना उसको एक हेल्दी इंसान बनाओ तो बच्चा जब देख ही रो रहा है क्या पेरेंट्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं झगड़े हो रहे हैं या पेरेंट्स फ़ोन पर पे बैठे हैं तो कहेंगे हमें पेरेंट्स किस मुँह से मना करेंगे अगर हर एक बाप एक माँ अपने अपने फ़ोन पर है अपनी सोशल लाइफ में बिजी हैं रातों तक तो बच्चों को आप कैसे बिजी करेंगे और अक्सर अक्सर लोग क्या हैं गाड़ी ड्राइवर मेड एंड बच्चा इंडिपेंडेंस खुला पैसा हाथ में बच्चे जो मर्जी कर रहे हैं चेक कर ये कैसे आपके ख्याल में कैसे कुछ ठीक होगा अब हम घर में तो डाल नहीं सकते इस बात को कि गवर्नमेंट बंद कर दे इसको करें क्या इसको ठीक कैसे करेंगे मतलब किस तरह सोसाइटी इसको रिएक्ट करे तो थोड़ा ठीक हो जाए आई थिंक अवेयरनेस की ही बात है अब जितनी अवेयरनेस में डालें क्योंकि चीज़ें नेगेटिवली इतना इनफोर्स हो रही हैं बिहेवियर्स जो अब मेरे लिए यंग जनरेशन जो यंग लोग हैं यंग पॉपुलेशन है, है जिनको हाँ 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 बिल्कुल उनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है अवेयरनेस की बात है पर उनके उनमिल पेरेंट्स पे इंस्टीट्यूट माँ है घर है जो माँ ने सिखाना है बाप ने सिखाना है बच्चे ने वही सीखना है सो so, करेक्शन में यही है कि पेरेंटल कंट्रोल रखो आप इन चीज़ों से फ़ोन वगैरह से दूर नहीं कर सकते बच्चे को बच्चा कंप्लीटली अपडेटेड हो जाएगा ना तो एज को अगर आप एक घंटे से ऊपर स्क्रीन टाइम दे रहे हैं दो साल से सात साल का बच्चा घंटे से ऊपर स्क्रीन नहीं देखेगा अगर देखेगा तो एक्सेसिव है आप क्या होगा स्पीच डिले हो जाएगी आप आइसोलेटेडे सोशलाइजेशन खराब होएगी, आई कॉन्टेक्ट न कुछ भी नहीं होएगा। एंड सेवन प्लस के बाद भी अगर कोई है तो इट्स लाइक टू मैक्सिमम। प्लस के बाद कब तक? तक तो प्लस चाहिए। चाहिए तो पहुंच गए तो 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 uh, कोशिश तो करनी ही चाहिए मिनिममत नहीं रहती उसके बाद ये भी है सेवन ईयर्स तक डैमेज बहुत ज़्यादा है मरे आप ख़ुद क्या करती हैं आप आपका फ़ोन से कितना इंट्रैक्शन होता है मेरा मैं तो बड़ी आउटडेटेड हूँ मुझे लगता है मैं तो मुझे तो भाई टेक्नोलॉजी बहुत आती ही नहीं है बट ये कि एडिक्टिव है आई से इट्स एडिक्टिव आप पूरे दिन में तो नहीं इतना टाइम मिलता है चीज़ देखने के बाद रात में आप बैठ के अपना जब चेक करते हो कोई इंस्टा वगैरह या व्हाट्सएप के कोई मैसेजेस हैं जो काम के अलावा अगर पर्सनल ग्रुप में एक से एक कनेक्शन न्यूज़ किसी की बर्थडे किसी का कोई पार्टी आप देखते देखते देख देखने पर लग जाते हो बट आई थिंक मैं तो बहुत दूर हूँ उन चीज़ों से बहुत ज्यादा रेज है इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है कोई भी तो ऐसा तो बंदा नहीं।, नहीं है मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा हो जो फोन रात को देखे बगैर सो जाए हैं हाँ सही कह रहे हैं कुछ तो अलग है अलग देखना नहीं चाहिए हाँ वो टाइम जरा फारिक टाइम होता है ना उसमें पे बस बड़ी अच्छी बात है रात को देखें कुछ तो है जो पूरा पूरा दिन चल रहे हैं लोग और एडिक्शन इतनी है फोन की रेस इज़ वन थिंग पर फोन की रेस के ऊपर जब वाईफाई कनेक्ट हो जाता है तो डबल हो 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 वो 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 क्या करता है वाईफाई वो बंदे को लेके जाता है वो बंदे को फिर एक्चुअली uh, आपकी न्यूरोपैथी आती है आपकी बिकॉज uh, मेरे पास वो एक मैंने एक देखी ये रिसर्च थी और उसमें रिसर्च में ये था कि आपके जो अगर, अगर अंडर ट्वेल्व ईयर का बच्चा देख रहा है फ़ोन यूज़ कर रहा है वाईफाई के साथ डायरेक्ट डर, डर, डबल रेस आ रही है आपके ब्रेन की देर सर्टन वॉल्स जो कि डैमेज होना शुरू हो जाती वाईफाई एंड फोन की अपनी रेस यस दोनों, दोनों मिला के आपका हाइपर एक्टिविटी होगी फोकस कहीं नहीं होगा आपका हम दो दो वो। तो तो तेज वाईफाई दो वो, और हमें मतलब तेजी से डैमेज करता नहीं वो तो, तो एक तो ही बात है तेज कर लो हल्का कर लो वो तो प... <laughs> <laughs> वो तो अपनी है। वो तो करना ही है लेकिन सिचुएशन ये हो जाती है कि फोकस कंसंट्रेशन एग्जाम्स में नहीं है कैमरेज नींद से सोने से पहले रात को क्या ख्याल है आपको कितने देर से पहले मोबाइल को छोड़ देना चाहिए एटलीस्ट एक दो घंटे पहले अच्छा हम तो यू मोबाइल ऐसा होता है तो देखते 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 मोबाइल अपने गिरा के सो जाते हैं बस डैमेजिंग वेरी और वो सारी यूथ इस वक्त इसी काम में लगी सारी यूथ लगी हुई है बहुत लोग लगे हुए और सोने फ्यूचर है हां और ये हमारा फ्यूचर है अच्छा आपके सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती हैं आप किन लोगों से उठते बैठते हैं किन से बात करते हैं कितने इंटेलेक्चुअल हैं वो लोग ये बड़ा इंपैक्ट करते हैं आपके ऊपर बहुत बहुत मैटर करता है

आपको चाहिए क्या ना स्पाइस चाहिए क्या, स्पाइस की भी तो करता चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या एक्जैक्टली exactly. और लिमिट होनी चाहिए ना बैलेंस नहीं रह गया डिस्पैरिटी बहुत है स्पाइस 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 तो आप तो फिर बैलेंस नहीं रह गए ना लाइफ में हर हर चीज़ स्पाइस नहीं आपकी जॉब आपकी अर्निंग आपकी रिलेशनशिप्स कुछ भी स्पाइस नहीं है ओहो, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में आता है स्पाइस ऐड कर लो कहीं कहीं आप हमें हर वक्त स्पाइस चाहिए दैट्स रीजन है कि आप आई हैव फोटी पीपल वर्किंग विद मी और जब मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है ऑनेस्टली काम करना नहीं चाहते लोग नई जनरेशन काम नहीं करना सैलरीज दे दो ढेर सारी और फ्लैशी जो स्टाफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट अगेन स्पाइस कहेंगे आपकी जबान में तो फ्लैशी स्टाफ चाहिए अच्छी डेजिंगनेशन चाहिए काम सीखना नहीं है तो कहते हैं कि जीरो से स्टार्ट करोगे तो कहीं पहुँचोगे शॉर्टकट्स में पाकिस्तान से निकलो कुछ है ही नहीं आता

तो उनको बड़ा कोई सर्विसेज भी बड़ी मिल रही होती है पीस ऑफ माइंड है मैं बताऊँ कि कितना भी कोई चेंज हो गया है इंसान को क्या चाहिए एंड ऑफ द डे पीस ऑफ माइंड तो पीस ऑफ माइंड माइंडरलिंग कैसे करता है

सोशलाइजेशन uh, फ्रेंड्स को मिलना बहन भाइयों फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना uh, मेरी एक बेटी है सो माशा सो मैं और मेरे हस्बैंड और वो हम हमारा एक छोटा सा सेट बट देखे और मेरा एक बेटा है ठीक है जो गाय तो मेरी बेटी के लिए था बेटी से ज़्यादा मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और मेरी बेटी से चढ़ रही होती है तो <laughs> <laughs> so, बात यह कि आपने लाइफ को ईजी रखना होता है और आई थिंक मुझे तो लगता है फैमिली टाइम इज़ इज़ अ गुड टाइम आपको बहुत अपना निकालते हो कतार हो जाता है सुकून कर लेते हो और अच्छे काम करो जो अच्छा लगता गें। है गेंद मुझे गार्डनिंग पसंद है जब मैं जब मैं डी या ऐसा कुछ हो तो जाकर बैठ जाती हूँ अपने लॉन में शुरू हो जाती हूँ कुछ ना कुछ कर कहते आपको तो अच्छे काम पसंद है लोगों को बुरे काम पसंद है तो वो भी करें नहीं कर सकते ना वो तो आप देखिए बुरे काम का अगर आपको ही नुकसान है इर्द गिर्द वालों को भी नुकसान है तो फिर तो अगर ऑलरेडी डीमोटिवेटेड हो तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा आपको? वो तो फिर सेल्फ आम घर को और काम को बैलेंस कर लेती हैं आप जब तो काम का लोड बढ़ गया चालीस एम्प्लॉज़ उनके मसले डेफिनेटली उनके टैक्स उनके मैसेजेस उनके कॉल्स एम्प्लॉज का तो अलग होता है पेरेंट्स का भी बड़ा प्रेशर होता है आ, मैं बहुत कुछ वो ऑफ तो नहीं करूँगी कि मैं बड़ा बैलेंस करती हूँ बड़ा ये वो कोशिश करती हूँ ज़रूर और आ, कर लेती हूँ क्योंकि शाम के आप

I कहीं से भी कोई पहुंचना चाहे आप तक पहुंच सकता है आप तक तो हम तक तो पहुंच सकते हैं और पहुंचते हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह सब ऑनलाइन काउंसलिंग भी हमारी है सर्विसेज हैं और अगर कोई ब्लॉग्स वगैरह में है, राइट हैं अप्स हैं कोई नई चीज़ें हैं वो भी आ रही होती हैं स्टिल कोई अगर बात करना चाहता है काउंसलिंग के लिए कोई ट्रेनिंग्स के लिए किसी इंटरेक्शन के लिए तो हमारा चलता है ऑलरेडी चलता है ऑनलाइन चलता है आप तक रहा कर सकते हैं और अगेन ख़्वीन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने आप को पहचानें अपने आप को अपने आप को पहचानें अपनी नीड्स को आगे रखें आई एम नॉट सेंगे जाके कल से हस्बैंड से लड़ना शुरू कर दें बट एक अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू को इंटेग्रिटी को अलाइव रखें आप क्या करना चाहती हो क्या नहीं करना चाहती हो मैं नहीं कह रही कि आप और हंड्रेड परसेंट औरतें आगे फील्ड में काम करें जितना आए बहुत अच्छी बात है आए जरूर काम करें लेकिन घर तो चलता ही है घर बैलेंस हो जाता है अपनी पहचानो अपनी नीड को पहचानो आप क्या करना चाहती हो उसको देखो क्या बात है अपने आप को पहचान है और अगर मैं आपको पहचान गए तो आप सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए आप खुश हो गए मतलब आपको लगता है सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी मतलब ये दुनिया में जो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए इंसान को अपने आप से प्यार कर हम यूजली किसी और के चक्कर में ही लगे रहते हैं सारी जिंदगी या हम सप्रेस हुए होते हैं या हम किसी और से के चक्कर में होते हैं तो अपने आप को पहचानो अपने आप से प्यार करो और अगर वो लोग जो हर वक्त हमारी खुतिन का ना ट्रेंड बड़ा गोसिप का चुगली लड़ाइयाँ अगर उस चीज़ को थोड़ा सा रेगुलेट कर लेंगे ना ये तो मैं तो नहीं बोल सकता <laughs> मैंने बोला तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे मुझे बहुत वैसी गालियाँ पड़ती हैं मैं नहीं बोलूंगा बोलूँ <laughs> मुझे भी काफ़ी पड़ती हैं अच्छा <laughs> मुझे <laughs> भी काफी पड़ती हैं लेकिन मुझे बहुत देती है मैं तो को बोलता यू आर द बेस्ट भाई सब लोग ठीक ठीक हो हम नहीं हाँ नहीं उसमें मैसेज उनकी अपनी सैनिटी अपनी सैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि देखो कहाँ डिस्टर्बेंस है बचपन से चल रही होगी कहीं कोई रिजेक्शन पेरेंट्स से आई होगी कुछ कंपैरिजन सिबलिंग में हुआ होगा अपने आप को रेगुलेट करो एंड देन लोगों की तरफ आओ